इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पो और उसके साथियों को सभी टेंशन हथियार मिल गए थे और उन्हें नष्ट करना चाहते थे ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसीलिए इंग्लैंड की तरफ निकल गए थे। वो बोट से होते हुए इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी फोरुजान अपना शिप लेकर उनके पास पहुंच जाती है। वो पिंग को ढूंढते हुए यहाँ आई थी। पिंग उसे देखकर काफी डर जाते हैं। ब्लेड फोरुजान से कहती है कि यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो कोलिन और वेमन को उन पर हमला करने के लिए बुला लेती है। पो और ब्लेड उन दोनों को फोरुजान के साथ देखकर हैरान होते हैं। ब्लेड कोलिन से कहती है कि क्या तुम अब पायरेट बन चुके हो। कोलिन कहता है कि ऐसा नहीं है, ये मेरा पार्ट टाइम काम है, और उस पर हमला करने लग जाता है। फोरुजान पिंक को मारने की कोशिश करती है पर उन्हें बचाने लग जाती है। पो के साथी आसानी से वेमन और कोलिन को हरा देते हैं। यह देखकर फोरुजान अपने दोस्त जायंट क्रेकन को वहाँ बुला लेती है, जो अपने टेंटिकल उन सभी को पकड़ लेता है। उस क्रेकन का नाम एलिस था। उसे देखकर कोलिन और वेमन भी डर जाते हैं। अब वो पो की शिप को लूटकर उनका सारा सामान अपनी शिप में लोड करने लग जाते हैं। कोलिन उसे कहता है कि तुम बचकर भाग नहीं सकती, अब तुम मेरे साथ इंग्लैंड चलोगी, पर एलिस उसे अपने टेंटिकल से दूर फेंक देता है। फोरुजान रुकमनी और आगना को छोड़कर बाकी सभी को उठा लेती है क्योंकि उनके सर पर इनाम था। अब वो उन सभी को लेकर कैंडल लाइट को में आ जाती है, जो जगह चोरों के लिए स्वर्ग थी और वहाँ सभी डाकू और लुटेरे छिपकर रहा करते थे। रुकमनी और आकना भी अपने दोस्तों और टेंशन हथियारों को बचाने के लिए उस जगह पर आ जाते हैं। वो पायरेट की हेड चुराकर उनके जैसा बेश ले लेते हैं। फोरुजान पो ब्लेड और पिंक को लेकर एक बार में जाती है जहाँ वो पायरेट की अदालत को शुरू करती है। वो खुद ही इस अदालत की जज थी। वो सभी को बताती है कि पिंक गद्दार है, इसने हम सभी को धोखा दिया। जब इंग्लैंड की शिप ने हम पर हमला किया तभी अकेला अपनी जान बचाकर भाग गया, पर पो को विश्वास नहीं होता कि उसके डैड एक पायरेट है। वो अपने डैड की तरफ से केस लड़ता है। वो सभी को बताता है कि मेरे पिता एक मामूली से शेफ है और ये नूडल बनाते हैं, ये पायरेट नहीं हो सकते। फोरुजान का सैनिक पिंक के सर पर मौजूद पायरेट का टैटू दिखाता है, जो टैटू सभी पायरेट की पहचान होती थी, जो उनके बॉडी पर कहीं भी हो सकता था। पो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि उसके डैड एक पायरेट है। वो अपने डैड से कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था पर तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। फोरुजान उन्हें कहती है कि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और उसे अपनी स्टोरी बताती है कि 30 साल पहले हम दोनों समुद्र की सबसे खतरनाक जोड़ी थे। मैं कैप्टन थी और पिंग मेरा राइट हैंड था। हम साथ मिलकर सभी जहाजों और शहरों को लूटते थे और कोई हमें हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि इंग्लैंड के नाइट भी हमें पकड़ नहीं पा रहे थे, पर एक दिन हमारे जहाज का सामना इंग्लैंड के जहाज से हुआ जिससे सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई पर ये धोखेबाज मुझे कहीं नहीं मिला, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पो इससे हैरान होता है। फोरुजान पिंक से कहती है कि कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि तुम खुद ही हमारे जहाज को इंग्लैंड के जहाजों के साथ लेकर गए थे क्योंकि तुम उनसे लड़ना चाहते थे, पर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और खुद बचकर भाग निकले और एक शेप बन गए, इसलिए अब तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। वहीं रुकमनी और आकना के पास कोलिन भी आ जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं। रुकमनी उसे पूछती है कि तुम्हें तो फोरुजान ने पानी में फेंक दिया था, क्या फिर भी तुम नहीं मरे। कोलिन कहता है कि मुझे इंग्लैंड की महारानी ने ब्लेड को पकड़ने भेजा है और मैं अपना मिशन पूरा करके रहूंगा। अब पिंक को मारने के लिए बाहर लेकर आया जाता है, पर तभी पो और ब्लेड उन्हें बचाने आ जाते हैं और पायरेट पर हमला करने लगते हैं। पर तभी फोरुजान वहां जाती है, जो आसानी से पो और ब्लेड को हरा देती है और वो पिंक को मारने लगती है। पर तभी वहाँ रुकमनी आ जाती है, जो उन्हें कहती है कि मैंने भी पायरेट के रूल पढ़े हैं और पायरेट कोड के मुताबिक अगर कोई पायरेट धोखा करता है तो उसका इंसाफ एक मैच के थ्रू भी किया जा सकता है। फोरुजान कहती है कि अब एक मौत का खेल होगा और उसमें कोई रूल नहीं होंगे। अब उन सभी को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। फोरुजान उन्हें बताती है कि मुकाबला 3 राउंड का होगा, जिसमें से तुम्हें सिर्फ 1 राउंड को जीतना होगा जिससे तुम जीत जाओगे, और अगर तुम हार गए तो मैं पिंक के साथ साथ तुम सभी को भी मार दूंगी। ब्लेड कहती है कि अगर हम जीत गए तो तुम हमें छोड़ दोगी और हमारी वो संदूक भी लौटा दोगी। रुकमनी इसके लिए मान जाती है और बताती है कि पहला राउंड 2-2 की जोड़ी में होगा। सबसे पहले वो ब्लेड और कोलिन को नीचे लाती है, जिन्हें चंगू और मंगू से लड़ना था, जो 2 रेबिट थे। ब्लेड और कोलिन कहते हैं कि इन दोनों को तो हम मसल कर रख देंगे, और अब फाइट स्टार्ट होती है। चंगू और मंगू सिर्फ दिखने में ही छोटे थे पर वो बहुत
बहुत खतरनाक थे, वो उन दोनों पर हमला करने लगते हैं और उन्हें आसानी से हरा देते हैं, जिससे चंगू और मंगू जीत जाते हैं। अब अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें लड़ने के लिए फौरुजान कल्लू पहलवान को बुलाती है, जिससे लड़ने के लिए वो आगना को चुनती है। आगना काफी डर जाती है और कल्लू से बचकर भागने लगती है। कल्लू उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर तभी आगना उस पर अपना बैग फेंक देती है, जिसमें उसका बनाया हुआ गैजेट था, जिससे कल्लू को जोरदार मुक्का पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फौरुजान चीटिंग करती है और वो आगना को दूर फेंक देती है और सभी से कहती है कि आगना हार गई। पो उसे कहता है कि तुम चीटर हो। फौरुजान पिंक से कहती है कि तुमने इस पो के लिए मुझे छोड़ दिया, मैं अभी से खत्म कर दूंगी, और वो पो को लड़ने के लिए नीचे ले आती है। अब वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। ब्लेड को पता चल गया था कि वो पायरेट से बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो कॉलिन से कहती है कि अब तुमने मुझे पकड़ लिया है, इसीलिए तुम नाइट को यहाँ बुला लो, पर तुम्हें मेरे दोस्तों को सेफली इंग्लैंड छोड़ना होगा। कॉलिन इसके लिए मान जाता है और ऊंचाई पर जाने लगते हैं ताकि एक फ्लेयर को छोड़ सके। पो अभी भी फौरुजान से फाइट कर रहा था। फौरुजान पो को दूर फेंक देती है और उसे मारने लगती है, लेकिन तभी पो अपने पेट से उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है और उसकी शॉट से अपने डेड के पिंजरे को काट कर उस पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। पिंग अब आजाद हो जाते हैं। पो जीत गया था, जिससे वो खुश होता है। फौरुजान भी अपनी हार को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो पो से इम्प्रेस हो चुकी थी। वो पिंग से कहती है कि तुमने इसे अच्छा फाइटर बनाया है। बाकी सभी पायरेट भी खुश थे और फौरुजान उन्हें जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी कॉलिन अपने नाइट फ्लेयर को आसमान में छोड़ देता है, जिसे देखकर सभी पायरेट डर जाते हैं, क्योंकि जल्दी नाइट वहां आने वाले थे। सभी डर कर वहां से भागने लगते हैं। फौरुजान पिंग पर गुस्सा करने लगती है। वो उसे कहती है कि ये सब तुमने किया है, मैं जब भी तुम पर भरोसा करती हूँ तुम हमेशा मुझे धोखा देते हो। तभी कॉलिन और ब्लेड वहां जाते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि हमने नाइट को बुला लिया है। फौरुजान को इससे उन पर गुस्सा आता है। तभी नाइट की शिप वहां आने लगती है, जो उस आइलैंड पर हमला करने लग जाते हैं। सभी पायरेट अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। फौरुजान भी अपना शिप लेकर वहां से निकल जाती है। नाइट अब उस आइलैंड पर आ गए थे। पो और उसके दोस्त भी छिपे हुए थे। ब्लेड कहती है कि सबसे पहले हमें टेंशन हथियारों को वापिस हासिल करना होगा। पिंक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो स्टोरेज कहाँ है, जहाँ फौरुजान अपने सारे टूटे हुए माल को वहीं छिपा कर रखती है। वो उस पहाड़ पर है, वही हम दोनों साथ में सनसेट देखा करते थे। नाइट अब आइलैंड पर मौजूद सभी पायरेट को पकड़ रहे थे। पिंक चुपके से सभी को लेकर पहाड़ पर जाने लगते हैं। कॉलिन भी उनके साथ था, इसीलिए वो चालाकी से एक फ्लेयर को नीचे फेंक देता है, जिसे नाइट का सेनापति ड्रेक देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये फ्लेयर कॉलिन का है। वहीं पिंक सभी को फौरुजान के खजाने के पास लेकर जाते हैं, जहां उन्हें टेंशन हथियारों का संदूक नजर आ जाता है। ब्लेड को भी वहां अपनी तलवार वापस मिल जाती है। वहां वेमन भी मौजूद था, जिसे फौरुजान ने खजाने की रखवाली के लिए काम पर रखा था, पर अब वहां नाइट भी आ जाते हैं। ब्लेड समझ जाती है कि उन्हें जरूर कॉलिन ने बुलाया होगा। सेनापति ड्रेक भी वहां जाता है। कॉलिन उन्हें कहता है कि मैंने लैंड रेत की लुथेरा यानी ब्लेड को पकड़ लिया है। ड्रेक इससे बहुत खुश होता है। वो अपने आदमी को सारा खजाना जब्त करने का ऑर्डर देता है। पो ब्लेड से पूछता है कि क्या तुम ड्रेक को जानती हो। वो बताती है कि ये मेरे फैमिली फ्रेंड की तरह है, पहले ये मेरे भाई एल्फी के स्क्वायर थे, पर ये अब नाइट के सेनापति है। ड्रेक ब्लेड से कहता है कि तुमने नाइट के हथियार चुरा कर बहुत बड़ा जुर्म किया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो उसकी तलवार को ले लेता है। अब नाइट उन्हें पकड़ कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, साथ ही टेंशन हथियारों की संदूक को भी ले लेते हैं। साथ ही अब वो फौरुजान के सभी खजानों को पैक करके शिप पर लोड करने लगते हैं। ड्रेक को ब्लेड पर शक हो रहा था, इसीलिए उसे पूछता है कि संदूक में क्या है, पर उसे सच नहीं बताती और कहती है कि इसमें सिर्फ कपड़े हैं। इसीलिए वो अपनी शॉर्ट से उस संदूक को खोल देते हैं, जिसमें उसे टेंशन हथियार मिल जाते हैं। कॉलिन ड्रेक को बताता है कि बहुत ही खतरनाक हथियार है, जो तबाही और भूकंप ला सकते हैं। ब्लेड उन्हें कहती है कि हम ये हथियार खत्म करना चाहते थे और मेरा भाई एल्फी भी यही चाहता था। ड्रेक को उस पर विश्वास नहीं होता। वो उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, और अगर वाकई इन हथियारों से दुनिया को खतरा है तो यह हथियार नाइट के पास होने चाहिए, और वो उन हथियारों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। ब्लेड उन हथियारों को बचाने के लिए नाइट पर हमला करने लग जाती है और वो सभी को हराकर हथियारों के बक्से को वापस हासिल कर लेते हैं। रुक्मणी कहती है कि मैं बोट लेकर आया हूँ, जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर वो देखते हैं कि वो बोट डूब चुकी है। इससे वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ड्रेक भी गुस्से में चिल्लाता है और वो अपने सभी नाइट के साथ ब्लेड और उसके दोस्तों पर हमला करने लग जाता है।
है। ब्लेड कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यह हथियार इनके हाथ लगने नहीं दे सकते। तभी फोरुजान भी उनकी मदद करने आ जाती है। पिंग इससे खुश हुए कहते हैं कि वह मुझसे प्यार करती है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। ड्रेक फोरुजान को देखकर कहता है कि ब्लेड और उसके साथी पायरेट के साथ मिले हुए हैं और उन्हें पकड़ने आने लगते हैं। ब्लेड भी उन पर हमला करने लगती है। पो को लगता है कि सिर्फ उसके डैड ही इन हथियारों को सेफ रख सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें कहता है कि आप फोरुजान के साथ इन हथियारों के साथ यहाँ से चले जाइए, हम इन नाइट को रोक लेंगे। पिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। पो उन्हें कहता है कि आप एक सुपर हीरो हो, आप इन हथियारों को संभाल कर रख सकते हो। पिंग कहते हैं कि अगली अमावस्या तक तुम इन हथियारों को नष्ट करने का तरीका ढूंढ लेना और हम उसी दिन इंग्लैंड में मिलेंगे। पो अब पिंग को फोरुजान की शिप पर फेंक देता है। फोरुजान उसे कहती है कि मैं तुम पर वापस से ट्रस्ट कर रही हूँ, उम्मीद है कि तुम इस बार मुझे धोखा नहीं दोगे। पिंग अब एक हुक से तेंगशिंग हथियारों की संदूक को पकड़कर शिप पर लाने लगते हैं। कोलिन उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर एलिस उस पर हमला करके हथियारों को शिप पर ले आता है और फोरुजान पिंग के साथ वहाँ से निकल जाती है। पर पो और उसके साथियों को नाइट पकड़ लेते हैं। ड्रेक को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों को उन्हें जेल में डालने का ऑर्डर दे देते हैं। पो ब्लेड से कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही हम इंग्लैंड पहुंचेंगे हम भाग जाएंगे और इन हथियारों को नष्ट करने का तरीका ढूंढेंगे। अब उन्हें पकड़कर इंग्लैंड की जेल में लेकर जाया जाने लगता है। पो देखता है कि एक नाइट के पास चाबी है, इसीलिए चालाकी से उसे बातों में फंसाकर उससे चाबी ले लेता है और उसे बेहोश कर देता है। अब वो कार से आजाद हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी दोस्तों को आजाद कर लेता है। वो सभी नाइट से लड़ने लग जाते हैं और उन्हें हरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। पो ब्लेड से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। ब्लेड उन्हें बताती है कि एल्फी के सीक्रेट मिशन के बारे में कोई नहीं जानता और शायद इंग्लैंड की महारानी ने ही उसे इस मिशन पर भेजा होगा, इसीलिए हमें उनसे ही बात करनी होगी। वो छिपते हुए महल के पास आ जाते हैं। ब्लेड को पता चलता है कि आज महारानी ने चेस का मुकाबला रखा है, जहाँ आज वो इंग्लैंड के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों के साथ चेस खेलेगी। पर उनके पास अंदर जाने का पास नहीं था। आगना चालाकी से एक गाड़ी को दूर फेंक देती है जिससे वो सभी आसानी से महल के अंदर चले जाते हैं। पर ड्रेक भी वहाँ गया था जो पो और उसके साथियों को देख लेता है, इसीलिए वो सभी उनसे बचते हुए भागने लगते हैं। पो सभी से अलग हो जाता है। ब्लेड रुकमनी और आगना के साथ एक रूम में छिपी हुई थी। ड्रेक अपने साथियों के साथ उस रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं पो ड्रेक के सैनिकों से बचता हुआ एक रूम में आ जाता है, पर वहाँ रानी मौजूद थी जो चेस खेलने के लिए एक फ्लेयर का इंतजार कर रही थी। रानी को लगता है कि वही अगला खिलाड़ी है, इसीलिए वो पो के साथ चेस खेलने लग जाती है। पर पो को चेस खेलना नहीं आता था, पर फिर भी वो चेस खेलता है। रानी को भी ठीक से चेस खेलना नहीं आता था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की बातों पर हंसने लगते हैं। पो उनसे बातों में पूछता है कि आपने एल्फी को टेंशन हथियारों के मिशन पर भेजा था और मैं भी उसी मिशन को पूरा करने में लगा हुआ हूँ। रानी कहती है कि मुझे उस मिशन के बारे में कुछ नहीं पता और वो टेंशन हथियारों का नाम भी पहली बार सुन रही है। मैंने उसे आखिरी बार फेस्टर माउथ गांव के लोगों की मदद करने भेजा था और वहाँ से आने के बाद वो बदल गया था। उसने एक महीने की छुट्टियाँ ली पर फिर भी वो वापस नहीं आया और मारा गया। तभी उन्हें सैनिकों की आवाज आती है जो पांडा को ढूंढ रहे थे, इसीलिए रानी के सैनिक पो पर गुस्सा होने लगते हैं। पर रानी समझ गई थी कि पो एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो अपने सैनिकों को रोक लेती है और पो को एक सीक्रेट कमरे में जाने देती है। वहीं ड्रेक दरवाजा तोड़कर उस रूम में आ गया था, पर ब्लेड रुकमनी और आगना छिप गए थे। पो सीक्रेट रास्ते की मदद से अपने दोस्तों को भी बचा लेता है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। ब्लेड हैरान होती है कि पो क्यों से मिला। पो उसे बताता है कि हम दोनों ने चेस खेला और हमारी दोस्ती भी हो गई थी और उन्होंने मुझे एल्फी के मिशन के बारे में बताया कि वो आखिरी बार फेस्टर माउथ गांव में गया था, जहाँ जाने के बाद वो बदल चुका था। ब्लेड कहती है कि इसका मतलब यह है कि जिसने भी उसे टेंशन हथियारों की खोज में भेजा था वो जरूर फेस्टर माउथ गांव में होगा, इसीलिए हमें भी वहीं चलना चाहिए। हो सकता है कि हथियारों को नष्ट करने का तरीका भी वहीं हो। वहीं हम पिंग को देखते हैं जो फोरुजान से कहते हैं कि हमें वापस इंग्लैंड जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने बेटे को बचाना है और इन हथियारों को नष्ट करना है। फोरुजान कहती है कि हम इंग्लैंड नहीं जाएंगे क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ। मैं रिटायर होने से पहले तुमसे बदला लेना चाहती थी पर अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसीलिए मैं शांति से रहना चाहती हूँ। और उसी आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ बचे हुए जादूगर रहा करते थे। फोरुजान अब उसी आइलैंड पर उतरकर आराम करने लगती है और पिंग से कहती है कि अब यही मेरा घर है। तभी वहाँ कायल अपने साथियों के साथ उस शिप को लूटने आ जाता है क्योंकि जब वरुका ने उसे शिप से फेंक
देखा था तो उसकी पूरी बॉडी टूट गई थी, पर अभी भी वो जिंदा था। वो फोरुजान की शिप का सारा सामान लूटने लगते हैं। फोरुजान ये देखकर गुस्सा हो जाती है। वो पिंक से कहती है कि हमें इन्हें मजा चखाना होगा, पर पिंक उन हथियारों को सेव रखना चाहते थे, इसीलिए वो संदूक को लेकर जाने लगते हैं ताकि उसे छिपा सके। फोरुजान अब एलिस को वहाँ बुला लेती है और उसकी मदद से वो कायल और उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है, पर इससे कायल की नजर टेंशन हथियारों के बक्से पर पड़ जाती है और उसे शक होता है कि उसके अंदर जरूर कुछ कीमती चीज है और उनका पीछा करने लग जाता है। पिंग और फोरुजान उन हथियारों को लेकर छिपने की कोशिश कर रहे थे। फोरुजान को भी पता नहीं था कि इनमें टेंशन हथियार है। अब रात हो जाती है। पिंग और फोरुजान अभी भी कायल के आदमियों से बचकर भाग रहे थे, पर वो एक जगह पर जाकर फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी कायल भी अपने साथियों के साथ वहाँ आने लगता है, पर तभी कोई ऊपर से रस्सी फेंक कर पिंग और फोरुजान को ऊपर ले लेता है। पिंग ये देखकर हैरान होते हैं कि उन्हें बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि क्लाउस है, इससे वो डर जाते हैं। वहीं ब्लेड अब अपने सभी दोस्तों के साथ उस गांव में आ जाती है जहां एल्फी अपने लास्ट मिशन पर आया था, पर वो देखते हैं कि वहां कोई नहीं होता और वो पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ था। तभी उन्हें वहां कोई दिखाई देता है जो अकेलेपन की वजह से खिलौनों से खेल रहा था। वो उन सभी को देखकर खुश हो जाता है। वो उन्हें कहता है कि मेरा नाम एडगर है और उन्हें लेकर अपने घर जाने लगता है और बताता है कि कुछ सालों पहले रानी ने यहाँ एक और नाइट को भेजा था, पर वो भगोड़ा था और वो भी डर कर भाग गया। ब्लेड हैरान हुई उसे पूछती है कि तुम मेरे भाई को भगोड़ा क्यों कह रहे हो। तो बताता है कि इस गांव में पहले बहुत से लोग हुआ करते थे, पर अब यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता क्योंकि इस गांव के दलदल में एक राक्षस रहता है जिसके लिए हमने रानी से मदद मांगी थी, पर रानी ने यहाँ मदद के लिए जिस नाइट को भेजा था वो भी उस राक्षस से डर कर भाग गया। मैं पिछले 15 सालों से यही हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि कोई हमारी मदद करने आएगा। रुक्मणी उसे कहती है कि तुम भी तो बाकी गांव वालों की तरह यहाँ से जा सकते थे, तुम यहाँ क्यों रुके। एडमंड कहता है कि मैं यहाँ अपनी डोल को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। ब्लेड को एडमंड की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उसे कहती है कि मेरा भाई कभी भी मिशन को अधूरा छोड़कर नहीं भाग सकता है, जरूर यहाँ कोई राज है। और वो एडमंड से कहती है कि उस दलदल के राक्षस से हम तुम्हें जरूर बचाएंगे क्योंकि वही हमें पता चलेगा कि एल्फी मिशन छोड़कर भाग क्यों गया था। अब वो सभी दलदल के पास आ जाते हैं। पो को वहाँ काफी डर लग रहा था, पर तभी दलदल में से मोस का बना एक जायंट हैंड उन पर हमला कर देता है। वो सभी उनसे बचने की कोशिश करते हैं, पर वो राक्षस पो को पकड़ लेता है। आगना काफी गुस्सा हो जाती है और वो उन मोस के बने हुए हैंड को खत्म करने लगती है, और अब उन्हें वो मोस का मोस्टर नजर आ जाता है जिसने पो और रुक्मणी को पकड़ लिया था, जिसका नाम डंकन था। वो एकना को भी पकड़ लेता है। ब्लेड उसे पूछती है कि क्या तुमने ही मेरे भाई को टेंशन हथियारों के बारे में बताया था। डंकन ब्लेड को देखकर पहचान गया था कि जरूर वो एल्फी की बहन होगी। वो उसे बताता है कि सालों पहले एल्फी भी तुम्हारी तरह यहाँ आया था और वो भी मुझसे फाइट करने लगा और उसने मुझे हरा दिया था। उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने गाँव वालों को परेशान किया, पर मैंने उसे बताया कि मैंने गाँव वालों को नहीं डराया, वो मेरे दलदल को बर्बाद करना चाहते थे। मैं 100 सालों से इस दलदल में रह रहा हूँ और मेरे परिवार को भी यहाँ सैकड़ों साल गुजर गए, पर जब से वो गांव वाले यहाँ आए हैं उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। उन्हें मेरा घर बसुरा लगता है और वो मुझे राक्षस बुलाते हैं, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए ही उन सभी लोगों को डराया। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, उनके लिए मैं राक्षस हूँ और मेरे लिए तुम लोग राक्षस हो। एल्फी उसके बाद समझ गया था, पर उसने कहा कि मैं नाइट सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए बना ताकि मैं दुनिया में शांति कायम कर सकूं। डंकन कहता है कि अभी तक यहाँ जितने भी नाइट आए हैं तुम उन सभी से अलग हो। अगर तुम दुनिया को बचाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बड़ा काम करना होगा। और उसने एल्फी को टेंशन हथियारों के बारे में बताया था। यह सब सुनकर ब्लेड उसे कहती है कि तुमने मेरे भाई को टेंशन हथियारों के मिशन पर भेजा था, पर तुमने ऐसा क्यों किया। डंकन बताता है कि टेंशन हथियारों के बारे में कोई नहीं जानता और मैं नहीं चाहता था कि वो हथियार गलत हाथों में पड़े, वरना यह पूरी दुनिया मुसीबत में आ जाएगी। मैं चाहता था कि एक निस्वार्थ और बहादुर नाइट ही उन्हें हासिल करके तबाह करे। ब्लेड कहती है कि मेरा भाई स्टोनव्हील लेकर वापस लौटा था, तो क्या तुमने वो स्टोनव्हील नष्ट कर दिया। पर डंकन इसका कोई जवाब नहीं देता और उस पर हमला करने लगता है। अब आगना भी उस मौत से आजाद हो चुकी थी और अपने दोस्तों को भी आजाद कर देती है। वो अब डंकन पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं, पर डंकन अपने जादू से उन सभी को वापस पकड़ लेता है। ब्लेड उसे कहती है कि बाकी के सभी हथियार हमारे पास है, इसीलिए हमें बता दो कि उन्हें नष्ट कैसे करना है। वो उन सभी को छोड़ देता है और उनसे पूछता है कि
कि अब वो हथियार कहाँ है। तोपो बताता है कि हमने वो हथियार छिपा कर रखे हैं क्योंकि हमें किसी पर भरोसा नहीं है। डंकन अब उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें हथियार नष्ट करने हैं तो तुम्हें उन्हें लेकर टेंशन के प्राचीन शहर जाना होगा जब वो हथियार बने थे। पॉ पूछता है कि वो प्राचीन शहर कहाँ है। डंकन बताता है कि जब प्राचीन मास्टर की वजह से दुनिया के हिस्से हुए थे तब वो शहर जमीन में दफन हो गया, पर लीजेंड के अनुसार वो शहर लंदन शहर की गहराइयों में अभी भी छिपा हुआ है। पॉ से बताता है कि तुम तो सालों से यहाँ दलदल में रह रहे हो, फिर तुम लंदन के बारे में कैसे जानते हो। डंकन बताता है कि मेरे पूर्वजों की आत्माएं अभी भी उन हथियारों में कैद है। अब वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब उन्हें टेंशन हथियारों के प्राचीन शहर को ढूंढना था। आगना कहती है कि हम उस छिपे हुए शहर को कैसे ढूंढेंगे। ब्लेड बताती है कि मेरा भाई काम में परफेक्ट था। वो अपने हर मिशन और हर काम के बारे में हमेशा लिख कर रखता था। अगर उसे प्राचीन शहर टेंशन का रास्ता मिला होगा तो उसने जरूर उसे हमारे घर में मौजूद उसकी पर्सनल डायरी में उसके बारे में लिखा होगा। पो इससे खुश होता है कि हम तुम्हारे घर जाएंगे, और सभी ब्लेड के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ब्लेड उन्हें बताती है कि मेरी माँ का नाम लिसिंडा है और वो एक राक्षस से कम नहीं है। वो सबके सामने मेरी गलतियाँ निकाल कर मुझे शर्मिंदा करती है। वो एक खड़ूस औरत है, इसीलिए तुम सभी बाहर रहना, मैं चुपके से अंदर जाकर एल्फी की डायरी लेकर आ जाऊंगी। अब वो सभी ब्लेड के घर पर आ जाते हैं जो काफी बड़ा था। ब्लेड चुपके से खिड़की की मदद से घर के अंदर चली जाती है और अपने भाई के कमरे में जाने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है जो उसे कहती है कि हमारे घर में दरवाजा भी है, इसीलिए कभी तो दरवाजे से आ जाया करो। ब्लेड कहती है कि मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई थी, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं वो काम करके यहाँ से चली जाऊंगी। तभी वहाँ ब्लेड और उसके बाकी साथी भी अंदर आ जाते हैं। ब्लेड उन्हें बताती है कि ये सभी मेरे दोस्त हैं। लुसिंडा इससे खुश होती है कि उसके दोस्त भी हैं, और वो उन सभी को चाय बनाकर पिलाने लगती है और पोगो खाने के लिए केक्स देती है। पर ब्लेड गलती से टेबल पर चाय गिरा देती है जिससे उसका उसकी माँ से वापस से झगड़ा हो जाता है। ब्लेड इससे काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। पो भी उसके पास आ जाता है और वो दोनों एल्फी के रूम में उसकी डायरी ढूंढने लगते हैं। पो से पूछता है कि तुम अपनी माँ से इतना झगड़ती क्यों रहती हो। ब्लेड बताती है कि उन्होंने एल्फी को नाइट बनाया, पर एक लड़की होने की वजह से वो चाहती थी कि मैं एक प्रॉपर लेडी बनूं और घर को संभालना सीखूं, पर वो नहीं जानती कि मैं उनसे अलग हूं, लेकिन वो ये कभी नहीं समझती, पर एल्फी मुझे समझता था। पो उसे समझाता है कि तुम्हें उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा ताकि वो तुम्हें समझ सके। अब पो को पर एल्फी की डायरी नजर आ जाती है जिसे वो पढ़ने लगते हैं। उसमें तूफानी पहियों के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, साथ ही उसमें एक सिंबल भी बना हुआ था जिसके जरिए टेंशन हथियारों के प्राचीन शहर में पहुंचा जा सकता था। इससे वो खुश होते हैं। अब वो डायरी लेकर नीचे रुकमणी और आगना के पास आ जाती है और उन्हें बताती है कि हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, इसीलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं। पर तभी ड्रेक सभी नाइट के साथ ब्लेड को पकड़ने आ जाता है। ब्लेड इससे काफी परेशान हो जाती है। वो अब समझ जाते हैं कि उन्हें ड्रेक से लड़ना होगा, इसीलिए वो एल्फी के कमरे से लड़ने के लिए हथियार ले लेते हैं। अब नाइट घर के अंदर आ जाते हैं, पर वो सभी बहादुरी से उनसे फाइट करने लग जाते हैं और आसानी से उन्हें हरा देते हैं। अब ड्रेक भी अंदर आ जाता है। ब्लेड उससे फाइट करती है पर वो उसे हरा नहीं पाती और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पर ब्लेड चालाकी से वहाँ एक स्मोक बॉम्ब को चला देती है जिससे वो सभी बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं हम क्लाउस को देखते हैं जो पौधों को पानी डाल रहा था। पिंक फोर रुझान से कहता है कि ये हमसे हथियार छीनना चाहता है और हथियार छीनने के बाद ये हमें मार डालेगा। क्लाउस उन्हें कहता है कि मुझे ये बेकार हथियार नहीं चाहिए। पिंक उसे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुमने हमारी जान क्यों बचाई। वो कहता है कि मैं अपने साथियों को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ बीज लेकर आया हूँ ताकि मेरे लोग खेती कर सके, ना कि शिप को लूटने का इंतजार करें। पर उन्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, उन्हें बस अपना हेलमेट वापस चाहिए। इन हथियारों ने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया है, इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग इस संदूक को लेकर यहाँ से चले जाओ। और अब उन्हें लेकर शिप के पास आ जाता है, पर शिप पर कायल और उसके साथी मौजूद थे। क्लाउस पिंग और फोरुजान से कहता है कि मैं इन सब का ध्यान भटकाऊंगा और तुम ये हथियार लेकर यहाँ से निकल जाना। फोरुजान कहती है कि आखिर इन हथियारों में ऐसा क्या है जो सब इनके पीछे पड़े हैं। पर पिंग उसे सच्चाई बताना नहीं चाहते थे, पर क्लाउस उसे बता देता है कि इन हथियारों में एलिमेंट की पावर है जो दुनिया तबाह कर सकते हैं। क्लाउस अब कायल के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास बहुत खाना है। पर कायल उससे गुस्सा था, वो उसे कहता है कि तुमने मुझे उड़ते शिप से फेंक दिया जिससे मेरी सारी हड्डियां टूट गई। क्लाउस बताता है कि ये सब मेरी बहन ने किया था और
मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पौधों और फल लेकर लौटा हूँ ताकि हम खेती कर सके। पर कायल को उस पर विश्वास नहीं होता और वो अपने साथियों की मदद से उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वो हेलमेट मुझे दे दो और तुम्हारी बहन कहाँ है, क्या वो छिपी हुई है ताकि हम पर हमला कर सके। क्लाउस कहता है कि वो हेलमेट मेरे पास नहीं है, मेरी बहन ने तुम्हारी तरह मुझे भी धोखा दिया और वो मुझे छोड़कर चली गई, पर अब हम साथ रह सकते हैं और मेरे पास बहुत सारा खाना है। तो वो सभी उसके साथ जाने लगते हैं। पिंग और फौरुजान उस बक्से को लेकर शिप पर जाने वाले थे, पर तभी वो बक्सा नीचे गिर जाता है जिसमें से हथियार बाहर निकल आते हैं। कायल हेलमेट को देख लेता है और अपने साथियों को उन पर हमला करने भेजता है। पिंग और फौरुजान मिलकर उनसे फाइट करने लगते हैं, पर वो हथियार अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। फौरुजान उन्हें रोकती है, पर वो हेलमेट लुढ़क कर कायल के पास पहुंच जाता है और उसे पहन लेता है। पिंग इससे डर जाते हैं, पर फौरुजान हार नहीं मानती और तेजी से कायल के पास जाकर उसे हिट करती है जिससे उसका हेलमेट खुल जाता है और अब फौरुजान खुद उस हेलमेट को पहन लेती है। पिंग को लगता है कि वो अब उसे कभी वापस हथियार नहीं देगी, पर फौरुजान वापस नीचे आ जाती है और पिंग से कहती है कि हमें इन हथियारों को लेकर इंग्लैंड जाना होगा। पिंग इससे हैरान होता है और उसे पूछते है कि तुम अभी मेरी मदद क्यों कर रही हो। फौरुजान उसे बताती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अब वो शिप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फौरुजान हेलमेट की मदद से शिप को उड़ाकर ले जाती है। वही हम ब्लेड और उसके साथियों को देखते हैं जो पूरे शहर में एल्फी की बुक पर बने सिंबल को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। ब्लेड को एक आइडिया आता है और अपने साथियों को बताती है कि हमें किसी ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जो पूरे शहर की हर गली को जानता हो। वो अब एक ज्येष्ठ पेस्ट के पास आ जाते हैं जो हर गली गली जाकर नाटक दिखाकर लोगों को हंसाया करते थे। उसका नाम बेनी था। ब्लेड अपने साथियों को बताती है कि मैं बचपन में इनके बहुत शो को देखा करती थी। वो बेनी से उसके बाकी साथियों के बारे में पूछती है। बेनी बताता है कि वो सभी मुझे छोड़कर चले गए, उन्हें दुनिया घूमनी थी। ब्लेड अब उससे उस सिंबल के बारे में पूछती है। बेनी उसे बताता है कि मैंने इस निशान को देखा है और उन सभी को लेकर उस जगह पर जाने लगता है, पर बेनी ने कुछ लोगों से कर्जा ले रखा था और वो आदमी बेनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर पो और ब्लेड उनसे फाइट करने लग जाते हैं और वो उन दोनों गुंडों को बहुत मारते हैं। बेनी अब कब्रिस्तान में मौजूद एक खुफिया सुरंग के दरवाजे को खोल लेता है और वो उन सभी को लेकर उसमें चला जाता है। उस सुरंग के अंदर जगह जगह सिर्फ हड्डियां थी जिससे पो बहुत डर जाता है। बेनी अब उन सभी को एक खोपड़ी पर बना हुआ वो सिंबल दिखाता है जो एल्फी की डायरी में था। ब्लेड बेनी से पूछता है कि तुम्हें निशान कैसे मिला और इसके बारे में और कौन कौन जानता है। बेनी बताता है कि जय के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ क्योंकि मैंने पूरे शहर से कर्जा ले रखा है, इसीलिए मुझे छिपने के लिए नई नई जगह ढूंढनी पड़ती है। अब ब्लेड उस खोपड़ी में मौजूद एक बटन को एक्टिवेट कर देती है जिससे वहाँ एक गेट खुल जाता है और वहाँ टेंशन के प्राचीन शहर का रास्ता था जो एक कुएं से होकर जाता था। बेनी काफी डर जाता है इसीलिए वहाँ से चला जाता है। अब वो सभी उस कुएं के अंदर आ जाते हैं जिससे वो टेंशन हथियारों के प्राचीन शहर में पहुंच जाते हैं। वो जगह काफी अलग थी और वहाँ की ग्रेविटी का लेवल भी अलग था जिसकी वजह से वहाँ पत्थर और चीजें हवा में फ्लोट कर रही थी। वो सब ये देखकर काफी हैरान थे। तभी वहाँ ब्लडी की माँ भी आ जाती है जो कब से उनका पीछा कर रही थी। वही हमें वरुका को भी दिखाया जाता है जो भी इंग्लैंड पहुंच चुकी थी और वो ब्लेड को ढूंढ रही थी ताकि उसे हथियार छीन सके और अपने भाई की मौत का बदला ले सके क्योंकि उसे लगता था कि ब्लेड ने उसे मार दिया। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।